जब राज तिलक होने वाला था सिर्फ उस समय वो सिर्फ और सिर्फ दशरथ पुत्र राम थे, लेकिन जब वनवास झेल के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए। कांग्रेस उसी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आएगी और राहुल गांधी यह स्थापित करेंगे कि रामराज तो हिंदुस्तान में आएगा, बीजेपी तो ला नहीं सकती, कांग्रेस के शासनकाल में ही रामराज आएगा। लगातार 5 राज्यों के चुनावी नतीजे को लेकर के कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार जो है बनती हुई नजर आ रही है 4 राज्यों में, लेकिन जिस तरह से जो मीडिया में खबरें आ रही थी, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, लेकिन नतीजा उससे डिफरेंट आपको नजर आएगा। तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो है इसमें भाजपा जो है आगे है, भाजपा जो है सरकार बनते हुए नजर आई। इन सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है अवधेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, जो अपनी बात बाकी से रखते हैं। कैसे देखते हैं कि जो अभी जो 5 राज्य का चुनाव है इसको लेकर इसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024 पर? देखिए, ये जो चुनाव का रिजल्ट आया है निश्चित रूप से मायूस करने वाला है, उदास करने वाला है, लेकिन इससे हमारे हौसला टूटने वाली नहीं है। कल शाम तक कुछ और माहौल था, सुबह शायद 3:30-4 बजे में जग गया था, अपना जो नित्य क्रिया होता है उससे फ्रेश होके, और सुबह ही ये सोचा था कि चलते हैं AICC, वहाँ से आए थे, लेकिन रास्ते में अपना मोबाइल पे पूरा न्यूज़ देखते हुए आया हूँ, और जो रिजल्ट आया ये देख के मायूसी हुई है और कुछ चिंता में भी हूँ, जिससे ऊपर चिंतन करने की भी ज़रूरत है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहाँ तैयारी थी कि एक तरफ राम के राज तिलक होने वाला है और कुछ क्षण में ऐसा हो गया कि उनको वनवास है। लेकिन याद रखिए, जब राज तिलक होने वाला था सिर्फ उस समय वो सिर्फ और सिर्फ दशरथ पुत्र राम थे, लेकिन जब वनवास झेल के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए। कांग्रेस उसी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आएगी और राहुल गांधी यह स्थापित करेंगे कि रामराज तो हिंदुस्तान में आएगा, बीजेपी तो ला नहीं सकती, कांग्रेस के शासनकाल में ही रामराज आएगा। राम मंदिर, आज ये लोग राम मंदिर का मुद्दा, जनता तो कह रही है ना कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, 22 जनवरी के जो है राम मंदिर का भव्य तरीके से उद्घाटन होने वाला है, तो क्या लगता है अभी जो अभी 5 राज्य का नतीजा सामने आया है, इससे बड़ा नतीजा जो है 2024 का भी देखने मिलेगा? अब बताइए, आप भी कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि जो राम को लाया है जनता करे, जो राम को लाया, क्या राम को मोदी ने लाया है? लेकिन जनता तो कह रही है, जनता नहीं, ये बीजेपी का जो मीडिया सेल है उनका उनका ये प्रोपगंडा है, उनका सारा मैनेज उसको गोदी मीडिया जो दिखाती है, राम को लाने वाले ये बीजेपी, राम को ये कहां से लाएंगे? तब तो गोदी मीडिया इनके ऊपर सवाल नहीं करेगा। अगर ये राम को लाने होते तो क्या मजाल थी इनके पार्टी में बैठे हुए सांसद और कह दे कि मतलब राम निषाद पुत्र थे, क्या मजाल है कि इनका नेता कह दे कि सीता जो है सो एक टेस्ट ट्यूब बीबी भी थे और वो राम को लाए हैं? देखिए, सीता माता के धरती से आता हूँ, बहुत आक्रोश आता है, खून खोल जाता है जब ये सुनता हूँ कि भाजपा का कोई नेता ये कहता है कि सीता माता जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। लेकिन समय है, कलयुग है, असुरी शक्ति अभी हावी है, ये सुबह कहावत है, वो सुबह कभी तो आएगी, ये शाम कभी तो जाएगा, इस उम्मीद पे टिके हैं, अपना हौसला नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और राहुल गांधी जैसे हमारे मार्गदर्शक हैं, राहुल गांधी जैसे नेता मिले हुए हैं, प्रियंका जी जैसे नेता मिले हुए। बताइए, राम भक्त नहीं, हम तो राम भक्त, असल में देखा जाए तो कांग्रेस राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था, राम मंदिर का पूजा किसने स्टार्ट करवाया था, ना कोई हो ना कोई हंगामा, सब कुछ चल रहा था, ये लोग तो मतलब सिर्फ शरारती तत्व है जो हंगामा करते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जनता कह रही है, जनता कह, जनता को बांटना चाहते हैं आप लोग, भी देश को बांटना चाहते हैं क्या? साउथ में जनता नहीं है, साउथ की जनता भारतीय नहीं है, बिल्कुल नकार दिया, नफरत करती है इनसे, नफरत करने वालों से नफरत करती है साउथ की। बताइए, साउथ में कहाँ पे कहते हैं पूरे हिंदुस्तान जो है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेंगी, तो क्या लगता है तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान नहीं, शोरूम खुल गया वहाँ? बिल्कुल, तेलंगाना में शोरूम खुला है, कर्नाटका में शोरूम खुला है, लेकिन आप कोई चीज, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, यहाँ पे साजिश है। मैं आप अगर कहूँगा तो आप कहेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ता है या कांग्रेस समर्थक है इसलिए बोल रहा है। आप बताइए, क्या एज ए मीडिया के टीम के हिस्सा होने के नाते आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार जाएगी और उसको 33 सीट, अभी तक जो दिखाऊँ 33 सीट दिखा रहा है, क्या तो ये सीट आएगी कांग्रेस को? ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा जो है सो मैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट जो है सो किया गया है, जिस वजह से ये हाल हुई है, इनका बहुत बड़ा साजिश है। और मैं तो चाहूँगा कि अपने शीर्ष नेतृत्व को भी आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है, और पूरी इंडिया गठबंधन जो है वो इसके ऊपर चिंतन करे, और हो सकता है तो लोकसभा चुनाव में बिल्कुल EVM को बहिष्कार करे। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन से जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा था, सामने आया है कि EVM में छेड़छाड़ की गई है, तो क्या लगता है कि जो अभी हार का जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ के जो नतीजे हैं वो EVM के कारण है, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं में की कोई भूल है, कोई गलतियां हुई है? नहीं, देखिए, हर एक बार, हर एक चुनाव के बाद ये चीज आती है, कहीं
कहीं ईवीएम में छेड़खानी पाया जाता है, कभी कोई एसडीएम ईवीएम लेता जाता है। अभी शायद मध्य प्रदेश में कि छत्तीसगढ़ में देख रहा था कल उस पर कि कोई एसडीएम जो है बैलेट पेपर गिनती करते हुए मतलब वो पाए गए थे, अब क्यों उसको गिनती करते, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इस सब तरीके इस पे ऊपर हमें अभी निगरानी होगा और हमें अपने अंदर भी सुधार करने की जरूरत है। कांग्रेस के अंदर भी कुछ जो ये संघी आदमी जो बैठे हुए हैं ना, देखिए बहुत ब्रेकर बनकर राहुल गांधी का जो कैफला चल रहा है ना, जिस पथ पे चल उस रास्ते में ये संघी कुछ जो कांग्रेस के अंदर घुसे हुए हैं, ये उनका ब्रेकर बनने का काम कर रहे हैं। हालांकि वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमें रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी गति को धीमा तो जरूर कर देते हैं। जहां हमें पहुंचना है एक घंटा में, वहां हमें सवा घंटा तो जरूर लग जाता है। कांग्रेस पे ही सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के बीच में बहुत सारे ऐसे संघी मानसिकता के लोग हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरे के लिए हाँ, ये सवाल नहीं, मतलब इसको आप सवाल उठाना कहिए या मतलब एक सलाह देना समझिए। मैं चैतन्य शीर्ष नेतृत्व को अपने देना चाहता हूँ। और राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा, मैंने भी उसमें दो दिन का यात्रा किया था, जब फरीदाबाद से लाल किला आया था वहां से, और वहां से जो लोनी बॉर्डर गई थी तो दो दिन, और रात को मैं फरीदाबाद में ही रुका था, यहाँ रुके थे हम लोग टेंट में जो है रुके थे, दो दिन का यात्रा किया था। बड़ा अच्छा यात्रा रहा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ठीक है जो उसको जगह मिलनी चाहिए थी गोदी मीडिया ने उसको जगह नहीं दिया भारत जोड़ो यात्रा को, और देगी भी नहीं चूंकि वो अपने मालिक के अंदर काम करता, वो तो वर्कर मीडिया तो आज कुछ ज्यादातर अधिकांश सारे मीडिया का नहीं कर रहा, अधिकांश मीडिया जो है सिर्फ पेड वर्कर के तरह जो है काम कर रहे हैं। तो इतना अच्छा, लेकिन राहुल गांधी इतना अच्छा भारत यात्रा निकले, हमारे जो एमपीज हैं, हमारे जो एमएलएज हैं, ठीक है सब सम्मानीय है, ये नहीं कि मैं उनके ऊपर कोई पंगड़ी, लेकिन वो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं यात्रा निकालते। आज अगर विधानसभा भाई जो हमारे एमएलए जो जीत चुके हैं या हारे हुए हैं, जो लड़ चुके हैं वो यात्रा निकाले, हमारे सांसद यात्रा निकाले, हमारे जो मतलब जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सभी पूरे देश में यात्रा निकाले, एक रोड से एक रोड तक राहुल गांधी पहुंच जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है इसका हमें लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो अगर पूरा टीम के वजह से हमारे सांसद भी सड़क पर उतरे, अपने क्षेत्र में करें, छोड़ दे दूसरे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में करें, विधायक अपने क्षेत्र में करें, वहां पे पद यात्रा करें ना। ये प्रभात फेरी लगाना कांग्रेस का इतिहास रहा है, प्रभात फेरी तो अभी हाफ पैंट पहन के ये संघी जाने लगे हैं लाठी भाजने के लिए, कांग्रेस लाठी नहीं भाजती थी हाफ पैंट पहन के, कांग्रेस प्रभात फेरी लगाती थी, लेकिन वो चीज हम छोड़ दिए हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये कांग्रेस का भजन है, महात्मा गांधी का भजन है, और ये राम प्रिय हो गए, राम भक्त वो कहलाने लगे, देश के लिए बलिदान दिया है हमारे पूर्वजों ने, हथकड़ियां लगी हमारे पूर्वजों को, जेल की यातना सही है हमारे पूर्वजों ने, और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटने लग गए जिनका एक कुत्ता भी नहीं मारा आजादी के आंदोलन में। जनता तो सोचती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रहित में काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है देश सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है, यहाँ तक के जो है मंदिर सुरक्षित है, वहीं जो कहा जा रहा है कि हमारा जो धर्म है वो सुरक्षित है। देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ भारत की देश की जो भोली भाली जनता है ना उसके ऊपर ये आरोप नहीं लगाइए कि वो कह रही है कि देश सुरक्षित है। कैसे कोई जनता कह सकती है कि जो बेटी हमारे लिए जो बहन बेटी मेडल लाती है उसको सड़कों पे घसीटा जाता है और कहेगा कि महिला सुरक्षित है, किसानों को कुचल दिया जाता है सर जीप से और कहा जाएगा कि मतलब देश का किसान सुरक्षित है, युवा हमारे जो है सो मतलब बीए करके एमए करके एमबीए करके इंजीनियरिंग करके जो है सो बेरोजगार बैठे हुए और वो युवा कहेंगे कि देश सुरक्षित हाथों में। प्लीज़ ऐसा जनता के ऊपर मत लगाए, कांग्रेस के ऊपर लगा लीजिए, हम मान जाएंगे देश सुरक्षित है, पनौती के हाथ में, यानी जो जनता बोलती है वो जनता मतलब नहीं है, वो जनता नहीं बोलती है, जो दिखाया जाता है वो जनता नहीं बोलती, ये तो पूरा प्रोग्रामिंग होता है, प्लानिंग होता है बीजेपी के आईटी सेल में, वो मीडिया को दिया जाता है, फिर वो लोग भोंक भोंक के उसको बताते हैं और बार 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 अगर किसी को कहा जाएगा, देखिए टीवी चैनल जो है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये आज के दिन में लोगों के मानसिकता पर बड़ा असर डालता है, उस पर प्रचार आता है कि मतलब फेयर एंड लवली लगाएं और 7 हफ्ते में काले तो चाकू गोरा बने, मैं कहता हूँ कि 7 साल लगा लो कोई गोरा नहीं होगा फेयर एंड लवली लगाने से, हो सकता है कि काला आदमी गोरा हो सकता है लेकिन लोग लगाते हैं। अब टीवी पे तो प्रचार करता है, पत्नी से करते हो प्यार तो हीरे से कैसे इनकार किया, जो हीरा नहीं देता पत्नी से प्यार नहीं करता है, तो ये सब क्या है, बनाया हुआ है, लोग देख के जो तो मतलब करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, खरीदते हैं, लगाते हैं, तो इस टीवी की बातों पर नहीं, लेकिन टीवी हावी हो चुकी है। और मैं तो मानता हूँ कि आज के देश डेट में अगर देश का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो गोदी मीडिया है, जो जिसको देश की जनता ने इतना बड़ा उपाधि दे दी कि चौथा स्तंभ देश का, लेकिन वो आज जो है सो मतलब देश जिसको का गद्दारी मीडिया इंडिकेट कर रहे हैं, वही गोदी मीडिया जो है, वही गोदी मीडिया जो है एग्जिट पोल दिखा रही थी, कांग्रेस को की बढ़त दिखा रही थी, आज उसे गोदी मीडिया आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, जो कांग्रेस की बढ़त दिखा रही थी, एग्जिट पोल दिखा, ये सब सारा प्लानिंग है, ये सब सारा प्लानिंग है। अगर एग्जिट पोल, आप एक बात बताइए ना कि आज वो मीडिया जो है तेलंगाना पे आप देख लीजिए कि अभी से लेके और सुबह सुबह तक कल तक परसों तक महीना दिन तक ये चलेगा, आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दिखाया जाएगा, तेलंगाना नहीं दिखाया जाएगा, कर्नाटक कितने बार दिखाया गया, नहीं दिखाया जाएगा, ये चीज है, वो दिखाएंगे वो जो उनको सूट करता है, जो उनके लिए है। तो आखिर सवाल आपसे कि ये सब चुनावी जो अभी नतीजे आए हैं इसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024 पे? देखिए लोकसभा चुनाव के 2024 से पहले आत्मचिंतन करने के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मिल गया है, इस पे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, साथ ही जो इंडिया गठबंधन के
जितने प्रमुख लीडर हैं साहब, सभी को आपस में बैठ के और आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और थोड़ा अपने में जो है फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए, थोड़ा लचीलापन लाना चाहिए। एक कदम अगर हम पीछे हट जाएंगे तो इससे हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। देखिए शतरंज में क्या होता है कि अगर लेके वजीर को अगर आपको मारना है तो हो सकता है अपने प्यादा की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो हो सकता है एक आधा प्यादा कुर्बाना देने से देना पड़ेगा तो देंगे, लेकिन इस वजीर को जो है सो मतलब खत्म करेंगे। अक्सर जो है बहुत सारे ऐसे जो वीडियो वायरल होते हैं या बहुत से जनता का कहना है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो जमीनी स्तर पे जो है उनका जो कोई कार्य नहीं दिखता है, ज़मीन पे वो नज़र नहीं आते हैं, बल्कि जो कहा जाता है कि जो भाजपा को हराने के लिए जो मुस्लिम है कोई ख़ास माइनॉरिटी विशेष जो है धर्म को लेकर के जो कहा जा रहा है कि उनकी जिम्मेदारी है कि भाजपा को देश को बचाना है तो भाजपा को हराना है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो संविधान से जुड़े होते हैं, संविधान को मानते हैं, तो उनकी ही जिम्मेदारी है कि जो भाजपा को हराना है। क्या लगता है कि वो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए? बिल्कुल, जमीन पर सिर्फ कार्यकर्ता के नहीं, हमारे नेता को भी जमीन पर उतरने की जरूरत है। ये बात सत्य है कि हमारे कुछ ऐसे नेता रहे हैं जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री में रहे हैं, बरसों तक संसद के सदस्य रहे हैं, लेजिस्लेटिव के मेंबर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में जो है सो मतलब सिर्फ प्रदेश कार्यालय या एसीसी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के किसी गांव का चक्कर नहीं लगाते, किसी कॉलोनी का चक्कर नहीं लगाते, किसी मोहल्ला का चक्कर नहीं लगाते, जबकि जनता उनको जो है सो मतलब नेता बनाया वो जनता ने। ठीक है, एआईसीसी में उनका कोई बड़ा नेता संपर्क का होगा, प्रदेश में कोई बड़ा संपर्क का नेता होगा तो उनको पद दे सकता है, उनको जो है सो मतलब टिकट दे सकता है, लेकिन अगर जीत को उनको माननीय बनना है तो माननीय वो जनता बनाती है, वो जनता तक आप पहुंचिए। और अगर उस जनता तक, जैसा आज हमारे राहुल गांधी सड़क पर निकल चुके हैं, अगर हमारे सारे एमपी एमएलए हमारे पदाधिकारी निकल जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कांग्रेस का आने से 2024 में रोक सकती है, बस हमें यूनाइट होकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि अवधेश चौधरी जी जो अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे, वही उनका कहना है कि कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हो नेता हो, अगर उनको जीतना है तो जनता के बीच रहना होगा। अगर आप ऑफिस का चक्कर अगर लगाते हैं तो वहां उस माध्यम से आपको टिकट मिल सकता है, एक सोर्स पैरवी लग सकता है, लेकिन अगर जीतना है चाहे एमएलए हो या एमपी अगर बनना है तो जनता के बीच में काम करना होगा, जनता से जुड़कर रहना होगा। वही इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।